दर्शक बने रहे। सड़क हादसे में घायल होकर आया था एक युवक। काफी देर तक वार्ड बॉय को खोजती रही महिलाएं। और आपको बता दें कि राम भरोसे यह स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है। सड़क हादसे में घायल युवक को स्ट्रेचर पर महिलाएं ले गई। काफी देर तक वार्ड बॉय को महिलाएं ढूंढती रही। खबर आपको दिखा रहे हैं जहां सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हुआ। कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा का यह मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर जहां स्ट्रेचर को महिलाएं खींचकर ले जा रही हैं। आपको बता दें एक्सरे कक्ष तक महिलाएं खींच कर ले जा रही हैं युवक को और वार्ड बॉय मूक दर्शक बने रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कन्नौज से जहां स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे दिख रही है। काफी देर तक महिलाएं वार्ड बॉय को खोजती रहीं। जब वार्ड बॉय नहीं मिल रहे थे तो उसके बाद महिलाओं ने इमरजेंसी वार्ड से एक्सरे कक्ष तक स्ट्रेचर को खींचा। और महिलाएं जब स्ट्रेचर खींच रही थी तब भी वार्ड बॉय मूक दर्शक बनकर खड़े रहे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कन्नौज से। आपको बता दें युवक सड़क हादसे में घायल होके अस्पताल आया था, जिसके बाद महिलाएं वार्ड बॉय को ढूंढती रहीं ताकि मरीज को स्ट्रेचर से ले जाया जा सके। बावजूद इसके वार्ड बॉय मूक दर्शक बने रहे और महिलाओं को ही ये स्ट्रेचर खींचना पड़ा। और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित कुशवाहा जुड़ गए हैं। अमित जी, ये कैसी घटना है और ये सब कैसे हुआ? ये जो देखने को मिला है, यहाँ से वार्ड बॉय अत्यंती तरीके का काम करते हैं। ये ना तो स्टेशन खींचते हैं बल्कि तीमारदार खुद ही स्टेशन ले जाके मरीजों को एडमिट कराते हैं। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड भी होना है तो भी स्टेशन नहीं ले जाते हैं। इस तरीके को अक्सर देखने को मिलता है। जैसे कि अभी बीते यही मेडिकल कॉलेज में ही एक अध्यापक को जो है खींचते दिखाई दिए थे। तो कहीं ना कहीं लापरवाही हमेशा होती है, लेकिन कार्रवाई ना होने से इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति जारी है यहाँ। अमित जी, अब प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है इस पर? सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो चुका है। जिलाधिकारी राकेश मिश्रा ने इस मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। अभी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दोषी पाए जाते ही जो है बाद वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमित जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कन्नौज से जहां प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। महिलाएं स्ट्रेचर लेकर घायल को खुद ही इमरजेंसी वार्ड से एक्सरे कक्ष तक ले जाती दिख रही हैं। और खबर है बरेली से जहां पुलिस की वर्दी पहन